नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप वीडियो का। आज जो है हमारे साथ गोरखपुरिया भौजी हैं और इन्होंने अश्लीलता के प्रति अपनी आवाज़ उठाया है और आज जो है कई सारे लोग जो है इनका विरोध भी कर, आज जो है इनसे बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले आप सभी आदरणीय पब्लिक जनता जनार्दन से हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस दुनिया में न जाए कितने प्रकार के लोग अश्लीलता फैलाते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिहार जो है पूरी तरह से अश्लील होता चला जा रहा है और आपने अश्लीलता के विरुद्ध जो है आवाज उठाई है, आपके खिलाफ लोग हो रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? तो कह रहे हैं कि हम चोली दिखाते हैं, ढोड़ी दिखाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम साड़ी पहनते हैं तो ना भी तो दिखेगा दिखेगा, ठीक है। और रह गई बात चोली दिखाने वाली, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई हमारे चैनल पर कोई कह नहीं सकता कि हम कभी ऐसा काम किए हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए मेरी बनी बनाई इमेज को खराब किया जा रहा है। इसके लिए हम अब एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे आत्मविश्वास, मेरे चरित्र को ठेस पहुँचाया गया है, जो कि मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ, जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी खराब है। और लड़की हूँ, एक नारी हूँ और तीन तीन बच्चों की मम्मी हूँ, और मेरी भी भगवान ने बेटा नहीं दिया, बेटी ही दिया है। तो कहीं ना कहीं ये गलत असर मेरी बेटियों के ऊपर, कहीं ना कहीं हम सबकी बेटियों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इसको मैं सबसे पहले जो लेडीज ये आरोप लगाई हैं कि ये कहीं ना कहीं अश्लील हरकत करके किसी के साथ सो करके वीडियो वायरल हुई है, ये वायरल हुई है, तो मैं उस लेडीज को देखिए लीगल एक्शन तो मैं लूंगी ही लूंगी। क्यों लूंगी मैं बताती हूँ। पहले तो मैं लूंगी कि जो वो आरोप लगाई हैं वो सबूत दे मुझे, और सबूत नहीं देती हैं तो भी मैं मान हानि का केस करूंगी। और ये मैं रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कोई सूली चढ़ा दे या फांसी चढ़ा दे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं एक लेडीज हूँ और लेडीज के वजह से कहीं ना कहीं मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है उन हर लेडीज के लिए, ताकि जैसे आज मेरे ऊपर मेरे चरित्र पर लांछन उठाया गया है, किसी और बहन के साथ, किसी और सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर फेमस हो गए हैं, अगर हम लेडीज हैं, अपने दम पर फेमस हो गए हैं, तो लोग जलते हैं हमसे। सही बात तो ये है, आज लोगों को हम ऊंचा कर दिए, आगे बढ़ा दिए, तो लोग हम ही को मतलब हमारे ही पेट पे लात मार रहे हैं, हमें फिल्म सिटी का ये वो कर रहे हैं कि हम मतलब हमारे ही पेट पे लात मार रहे हैं, हमें ही बनता है उन हर लेडीज के लिए, ताकि जैसे आज मेरे ऊपर मेरे चरित्र पर लांछन उठाया गया है, किसी और बहन के साथ, किसी और सिस्टर के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर फेमस हो गए हैं, अगर हम लेडीज हैं, अपने दम पर फेमस हो गए हैं, तो लोग जलते हैं हमसे। सही बात तो ये है, आज लोगों को हम ऊंचा कर दिए, आगे बढ़ा दिए, तो लोग हम ही को मतलब हमारे ही पेट पे लात मार रहे हैं, हमें ही बदनाम करने में लगे हुए हैं। किसी ने कहा बहुत अश्लील वीडियो बनाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पब्लिक जानती है कौन क्या करके आगे बढ़ा है, क्या करके नहीं आगे बढ़ा है। और जो लोग फिल्म सिटी का ये वो कर रहे हैं कि हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, उनका भी बात बता दें आपको, मेरे नाम पे लोग बेच बेच के लोगों को खाए हैं। जो लोग फिल्म सिटी पर फोन करते हैं, कहते हैं हमें गोरखपुरिया भौजी से बात करना है, तो फालतू 8,000, 4,000, 5,000 की नौकरी कर रही है, हॉस्पिटल में नर्सों का काम कर रही है, इज्जत से कमा रही है। तुम जो लोगों के जैसे ना नंगा नाच नहीं कर रही है यूट्यूब पर, जो तुम सबको बदनाम कर रही हो, तुम भी तो वही की हो। आखिर उसके घर चटुआ के घर क्यों गई थी, हमको जवाब चाहिए। और नहीं दोगी जवाब तो इतना जान लो, आज के बाद तुम जहां दिख गई, जैसे दिख गई, तुमको तो आना ही पड़ेगा बाबू, क्योंकि तुम जहां पे गई थी, तुम्हारा असली सरगना जो है वो तुमको लाएगा, क्योंकि उसको लाना पड़ेगा। मैं इतना मजबूर कर दूंगी लीगल एक्शन से, हमारा पब्लिक ने सपोर्ट तो करबे करेगी। जो एक नारी हूँ तो क्या मैं कमजोर हूँ? एक नारी 100 पे भारी पड़ गई, तुम लोगों का असलियत निकाल लिया तो पर भारी पड़ गई, तो भैया ज्यादा नहीं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों किस तरह से जो है गोरखपुरिया भावजी जो है अश्लीलता के प्रति जो है काफ़ी बुलंदियों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। दर्शन का तबीयत बहुत जो है ख़राब है इस समय, इसलिए बहुत देर तक बात नहीं करना चाहती हैं और इनको हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। और आप लोग भी अश्लीलता का जो है, जो भी लोग अश्लीलता फैलाते हैं उनका जो विरोध करिए, और इन्हीं सभी तमाम बातों के साथ जो है लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ जो प्रदीप वीडियो के व्यूवर्स, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जो भी ये चैनल पर देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। वेलकम।